नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सूत्रों को आज संबोधित करेंगे। वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्रिटेन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। रूस ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। किसान आंदोलन की शुरुआत हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया है। वहीं इसी साल 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की परेड को भी 5 महीने से ऊपर का समय हो गया है। इस दिन की घटना में हुई कई किसान ऐसे भी थे जो परेड में शामिल तो हुए लेकिन वे वापस घर नहीं लौटे। ऐसे ही किसानों की तलाश में जुटे उनके परिजनों ने सरकार को 19 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने ज्ञापन में यह चेतावनी दी है कि यदि 19 जून तक सरकार किसान विजेंद्र को ढूंढकर लाए नहीं तो कंडेला में जींद चंडीगढ़ मार्ग अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया जाएगा। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज शनिवार को लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की है, जिससे दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल पहली बार 96 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 24 पैसे तक महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 96 रुपए 12 पैसे और डीजल 23 पैसे महंगा होकर 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पाकिस्तान की संसद ने वो बिल पास कर दिया है जिसके तहत भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत विधेयक 2020 को पारित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले के तहत यादव को राजनयिक मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पंचायतों में खाली रह गए पदों पर आज शनिवार को उपचुनाव के तहत मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस मतदान के लिए कुल 8321 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। इंदौर के बंद बाजार 64 दिनों बाद आज शनिवार से प्रतिबंधों से मुक्त हो गए हैं। कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी बाजार सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक शाम 6 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। हालांकि जोन शॉपिंग मॉल खुलेंगे जबकि प्ले जोन, फूड जोन, सिनेमा बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 1 लाख से कम रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 84,332 नए मामले सामने आए जबकि इस दौरान 4,002 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,93,59,155 हो गई है। देश में अब कोरोना के 10,80,690 एक्टिव केस हैं। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने नए नियम बनाए हैं। ज्यादातर सड़कों पर कार के लिए स्पीड लिमिट 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है जबकि 2 पहिया वाहनों के अधिकतम स्पीड लिमिट 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। बस, टेम्पो और 3 पहिया वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट को लेकर सरकारी अधिसूचना को जारी कर दिया है। डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चौकसी 23 मई को एंटीगुआ और बाराबोडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था जहां वह 2018 से नागरिक के रूप में रह रहा था। बाद में उसे पड़ोस के देश डोमिनिका में हिरासत में लिया गया। दिल्ली मुंबई समेत देश के कई राज्यों में अत्यंत बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल मानसून सामान्य तिथि से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक दे सकता है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।